पापा ये दिस इज अ सेंसिटिव इशू, हमारी बात होती है मजे लेता रहता है। दिस इज अ सेंसिटिव इशू। पापा कितनी मिर्चें खाते हो? 2 मिर्चें अभी मम्मा ने लाई है, दोनों खत्म कर दिए आपने यार पापा। अभी एक ग्राई भी नहीं खाई। तो पापा इतना तीखा नहीं खाना होता, रोटी के साथ मिर्च खानी होती है। पापा व्हाट इज दिस यार? आई एम अमेज्ड, आई एम शॉक्ड व्हाट यू डिड टू मी राइट नाउ। मम्मा मिर्चें दो। मम्मा यार इतनी मिर्चें सुबह सुबह नहीं खानी होती। मम्मा पता क्या करे इसने, यहाँ से मिर्चें उठाई अपने प्लेट में रख ली और आपको लगता है मेरी प्लेट में मिर्चें? देख लो मम्मा, देख लो इसकी प्लेट, देख लो ये 2 मिर्चें पता नहीं कहाँ से आई, ये प्लांट करी गई है। सुबह सुबह मुझे बसाना चाह रहा है। करी करी खा 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 खा, एक मिर्च छोड़ दे दो। नहीं बस वो छोड़, 2 मिल गई तेरे को। इसमें एक लाल भी हो गई मिर्च, छोटी बड़ी मिर्च जो कभी हरी थी अब लाल हो गई। और मेरा आज खीरा गाजर, बहुत समय के बाद खीरा गाजर वाला नाश्ता। और मैंने दाल मखनी में डाल दिया सोया टोफू, और ये बन गया मेरा ब्रेकफास्ट। थोड़ा बैलेंस कर लेता ना, इतना हैवी हैवी खा लिया, इतना वो खा लिया, चैलेंज वैलेंज करता हूँ। तो अभी आई स्किप रोटी। गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग, सुप्रभातम। नाश्ता करा जाए दाल मखनी विद तड़का एंड परारा करारा पराठा। थम्स अप। बड़े चार नहीं, बड़े बड़े चार नहीं, बड़े चार मतलब छोटे आठ। नहीं बड़े, बड़े नहीं नहीं, बाबा फंस गए, फंस गए बाबा, फंस गए। बड़े ही मिलते हैं। तू बस इसको तो मौका चाहिए ना, तभी पापा पापा वो बात भी नहीं कर सकते। पापा ये दिस इज अ सेंसिटिव इशू, हमारी बात होती है मजे लेता रहता है। दिस इज अ सेंसिटिव इशू। पापा जी लाडू कर रहे हैं बहू के साथ। मैंने अभी इसको बोला, मम्मा ने बोला, इसने बोला मम्मा भाभी को बोल दो 2 गुट जूस दे दो। मम्मा कम शरारती तो है नहीं, मम्मा जाते जाते बोल गई नम्रता, वो बोला ना 4 गुट दे दो। तो कहता देख लो मम्मा ने 2 के 4 बोल दिए। कहता अगर 8 गुट आए तो 4 आपको मिले। मैं कहा अच्छा, अगर 6 गुट लाई तो ठीक है, अगर 8 गुट आए तो 4 गुट वापस कर दिए। मैं तो 4 ही लाई हूँ, सबके 4। नहीं बड़े 4 बोला आपने। नहीं भाभी तो 4, अब ये बड़े लोग हैं यार, ऐसा मत करो यार। भाभी बड़ी है जैसे, जो सबसे कम वाला वो मैं करूँगा, पूरा भर के मत दिया कर मेरे को भाभी, ये सबसे ज्यादा है ये। हाँ जी क्या चल रहा है? ये वो तो ब्रंच होता है। हाँ ये है इवनिंग स्नैक्स। नहीं लंच और डिनर के बीच में क्या होता है? लाइनर 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 लगाया जाए, लाइनर लगाया जाए, लाइनें लगाई जाए। अचार अचार क्यों? ब्रेड पिज्जा पे अचार डाल के नहीं खा सकते पापा? ये भाभी ने बनाया तो ब्रेड पिज्जा पे अचार डाल के भी नहीं खा सकते हम? ये देख ले, देख लो मट्टी और अचार और ये, अब क्या करा जाए? भाभी का काम हो रहा है, काम हो रहा है वो बाकी उधर मेकओवर हो रहा है, पर्दे ड्राई क्लीन के लिए गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मेक शिफ्ट में रह रहे हैं। वेरी गुड नम्रता। भाभी भाई कह रहा है कि ब्रेड पिज्जा पे अचार डाल के नहीं खा सकते, नहीं खा सकते हम लोग? हम कुछ भी कर सकते हैं। बीटरूट वाला जो तुमने ये ब्रेड पिज्जा बनाया तुम्हारे पापा जी को मैंने दे दिया अपने, ये जबरदस्ती पापा जी को नहीं दे दिया, वो पहले ही पापा जी रख गई है, चेप गई है मेरे को पहले ही। टेस्टिंग तो बनती है, टेस्टी बनती है। अच्छा टेस्टिंग है, फिर न्यूट्रिशियस भी है, पौष्टिक पौष्टिक। इसी खुशी में पेपिक्कू भी कह रहा है कि मेरे को 2 खाने हैं। और रहन दो रहन दो, तू क्यों नहीं खा रहा जूस पे? मैंने मेरे मेरी तो मील्स हो गई भाई, टाइम हो गया तेरा, हाँ टाइम हो गया पे तो ये है मम्मा, आईएफ का टाइम हो गया। किन क्या पी रहा है अब ये लड़का? जोक सपाट में एक बात बताऊं, बिल्कुल इसमें जूस में भी नेचुरल शुगर है, तो क्या शुगर तो है, देखोगे पता लगेगा। जूस पे भी आज कहानी हो गई, मेरी और इसकी शर्त लगी थी, इसने बोला मम्मा 2 गुट, मम्मा जाते जाते बोल गए भाभी को बोल देती हूँ 4 गुट। गलत कहे यार, और मैंने 4 गुट 16 गुट थे वो, भाभी लाएगी 8 गुट, आया 16 गुट। और जो आपने माना नहीं तब तक, जो आपने पीना था। अच्छा, मैं पी गया गुट गुट। मैं भी एक बात बता रही हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं है इसमें, बिल्कुल सीरियस बात है। सीरियस बात ये है, इसने बोला ये अपना एडिटिंग कर रहा था अपने रूम में, कहता मम्मा वो मेरे रूम का दरवाजा बंद कर दो। तो मुझे लगा हम लोग तो ऐसे शोर शोर मचाते रहते शायद इसलिए, मैं कहा हाँ हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं। कहता नहीं नहीं वो बाहर से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज बंद कर दो, इसने ऐसे बोला ना बोला। पापा वो करना पड़ता है ना, देखो ऐसी क्या बात हो गई, नहीं सच में एक खा ले एक, ऐसी क्या बात हो गई? अरे एक खाते खाते 5 किलो वेट बढ़ गया था मेरा, मेरे को सारा कम करना पड़ेगा। वो 5 जो आपने पैकेट कहते हैं वेफर के, उनसे बढ़ा 5 पैकेट मान नहीं था, लगा हुआ था वेफर पे वेफर खाने के अलावा, और नमकीन और ये देवर भाभी दोनों ने वेफर और वो क्या होते हैं वो लच्छे, लच्छे भी लपेटे। अच्छा था वो बाकी लच्छों के थे पैकेट, मसाले वाले खाते मसाले वाले देख लो ऐसी मस्ती मारी है।
फिर कैसे वेट नहीं बढ़ेगा? कम हो रहा? आप फ्रूट भी नहीं खा रहा? नहीं तो फ्रूट खा रहा हूँ, आज के दिन का गुआवा खा लिया, आज के दिन का एप्पल खा लिया मैंने, दो तीन और फ्रूट। खीरा गाजर पे आ गया, खीरा और गाजर, खीरा गाजर, खीरा गाजर नहीं, डैडी का खीरा गाजर है, दिल्ली का खीरा गाजर, उड़ीसा का नहीं, ये खीरा गाजर, ये दिल्ली वालों का खीरा गाजर, ये बिकता है, दिल्ली वालों का खीरा गाजर। यार आपको डीजी फैमिली, आप लोगों को हम लोग रखना चाहते हैं लूप में। बड़े दिनों से ना ये बातचीत हो नहीं रही थी क्योंकि इतने सारे फंक्शंस, अभी फंक्शन फेस्टिविटीज करवा चौथ है अभी, और अभी दिवाली की सफाई शुरू होगी। अभी मैंने सोचा कि चलो अभी आपको बताते हैं क्या अपडेट चल रहा है वेडिंग रिलेटेड। तो फूड टेस्टिंग हो चुकी है, मेन्यू फाइनल हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को आई थिंक बताया था मैंने कि आपकी एक पसंद की चीज़ जो आप लोगों से पूछा था क्या चीज़ रखनी है वो हम लोगों ने रखी है। वो मेन्यू टेस्टिंग वाली पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है, शादी के दिनों में मेन्यू टेस्टिंग की पहले वीडियो आ जाएगी, मतलब शादी से पहले आ जाएगी होपफुली। अभी उसका कैलेंडर बनाना है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अभी बैठ के करनी है मुझे कि मेरे को कैलेंडर बनाना है कि कौन सी वीडियोज़ शादी से पहले डलेगी, कौन सी वीडियोज़ बाद में डलेगी। अभी मैं खीरा गाजर डाइट पर फिर से आ गया हूँ, मेरा वेट 5 किलो बढ़ गया था, कैन यू बिलीव इट। गोवा से जब मैं आया उसके बाद नवरात्रि शुरू हो गया और मैंने सोचा था नवरात्रि में मैं करूँगा एक चैलेंज, वैजी बाजी की एक 7 डे चैलेंज की वीडियो बनाने के लिए, बट वो बहुत एक्सट्रीम चैलेंज था, तो मना हो गया फिर घर में। पसंद दोस्तों अभी भी मुझे आप सब लोगों की तरह घर में परमिशन की दिक्कत होती है, तो बट वो आई अंडरस्टैंड सबका कंसर्न, वो एक्सट्रीम चैलेंज था तो फिर वो चैलेंज नहीं करा। और फिर जो मैंने फिर नवरात्रों में खानी, नवरात्रि यार इज़ अ फीस्टिंग फास्ट, तो फिर नवरात्रि हुए, फिर ये पीछे नवरात्रि ख़त्म होने के बाद दशहरा है, दशहरा में मज़े से पकौड़े खाए, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही खाई फिर। और उन दिनों में ना बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, कुछ कुछ वेंडर से बात चल रही थी जो बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ें हो रही थी, काफ़ी लोग कैंसिल हुए, काफ़ी लोग नए मिले उसके बाद, कुछ चीज़ें कंफर्म होते होते रह गई और उसके बाद फिर 10 दिन बाद जाके कंफर्म हुई। तो उन 10 दिनों में बहुत है कि ये चीज़ अब होगी कैसे, ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी, तो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, लाइक कि पहले ये चीज़ें फिगर आउट कर लेते हैं, डाइट वेट बाद में करते हैं। एंड उन दिनों बैडमिंटन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरा वेट लाइक इन मैटर ऑफ आई थिंक 1 मंथ होगा, 1 महीने के अंदर वेट मेरा अच्छा खासा बढ़ गया क्योंकि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा खाया, 5 किलो बढ़ गया। अब वो 5 किलो का थोड़ा सा कम हुआ है, एक बार जब प्रॉपर पूरा कम हो जाएगा तो आई विल बी बैक इन माई ओरिजिनल शेप, जिस शेप की मैंने मेजरमेंट्स दिए हैं। तो मैंने फाइनल अभी स्टिचिंग की अपनी वेडिंग ड्रेस, अपनी हल्दी की ड्रेस और अपनी सगन की ड्रेस और एक आध और चीज़ें जो थी वो सारी मैंने बोल रखा है कि भैया होल्ड करो अभी, मैं एक बार जब फाइनल अपनी शेप में आऊँगा तो फिर वो स्टिचिंग देखता हूँ, 19 सिक्के से कुछ रहेगा तो है होपफुली उस चीज़ को रहूँगा। पोस्ट दिवाली जब मैं अपनी स्टिचिंग दूंगा तब तक मेरा वेट लॉस चीज़ जो मैंने अभी प्लान कर रखी है फॉर वेडिंग वो भी चीज़ हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें यही सब चल रही है। अब मेन जो चीज़ में लगे हुए हैं दिवाली की सफाइयाँ, दिवाली के टाइम पर लाइटें लगानी हैं तो वो भैया ने आना है, और घर की वो एक डीप क्लीनिंग टाइप सी होती है ना, पूरा घर आके साफ करते हैं, तो वो चीज़ करनी है। तो इंटायर अगला हफ्ता विल गो इन दैट ओनली। तो अभी उन सब चीज़ें करते करते मैं अपने रूम को भी थोड़ा सा वो करूँगा, डी क्लटर एंड स्पेस बनाऊँगा, प्रिपेयर करूँगा कि भाई अब बैचलर लाइफ से एक अलग स्टेज में जा रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को उस सेंस से भी अपने रूम की सफाई करवाऊँगा और करूँगा खुद दोनों। तो वो सब चीज़ें हैं, दिस वॉज द अपडेट। इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं देख रहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम के वेजी बाजी के चैनल पे मैं काफ़ी मस्त अपडेट्स देता हूँ। बाहर के मौसम का लुत्फ उठा रहे हो? लुत्फ नहीं उठा रहा हूँ, दरवाजा बंद करने लगा हूँ, जाली वाला सामने लेके लग गई सामने यार। मौसम का परिवर्तन हो रहा है, बढ़िया परिवर्तन नहीं हो रहा, स्मोक की वो देखो आ रही ना। परिवर्तन का मतलब क्या होगा? परिवर्तन चेंज, चेंज है ना, न्यूट्रल है ना, मतलब न्यूट्रल वर्ड है ना परिवर्तन, तो पॉजिटिव वर्ड थोड़ी है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? चेंज एक होता है पॉजिटिव चेंज, एक होता है नेगेटिव चेंज। इसमें वो वाला मीम डाल देना, कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस एटर्नल वर्ल्ड इज चेंज। मुझे ये बताओ परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन का मतलब चेंज। तो ये
अच्छा परिवर्तन नहीं है ये जो अभी मौसम में बदलाव आ रहा है। अच्छा बुरा सब्जेक्ट टू योर ओन, अब फिर वो ज्ञान सा हो जाएगा, आप कैसे उसको लेते हो, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है। जैसे अभी ये मैं ऐसे एग्जांपल एक देता हूँ, अभी मौसम चेंज हुआ तो हीटर वालों के लिए, जैकेट स्वेटर वालों के लिए बहुत बढ़िया हो गया, ठंड का मौसम हो गया। ठंड का मौसम तो नहीं, मैं इसको एज ए मेटाफर यूज कर रहा हूँ। कौन है ये लोग, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं जो इतनी सी बात भी नहीं समझ रहे। पापा कितने मीम्स देख रहे हो आजकल आप भाई, तो ये वो वाला दूसरा मीम आ गया यहाँ पे, समझ गया ना कि कैसे हो गया कि भाई ये मैं मेटाफर बता रहा हूँ कि परिवर्तन सम, जैसे अब विंटर सीजन आया तो भाई जिनका विंटर से रिलेटेड है उनके लिए अच्छा है, कूलर वालों फैन वालों के उनके लिए खराब है, यार हमारा धंधा बंद हो गया, ऐसे नहीं होता तो चेंज वो आप कैसे लेते हो। परिवर्तन भी यही तो बोल रहा था, स्मॉग है भाई, देखो उसका धुंध आ रही है लेकिन वो स्मॉग है, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक, यही तो नेगेटिव चेंज आई है, ये तो ये यहाँ यूँ बोला ना यही भी, तो ये है स्मॉग है तो इससे थोड़ा सा बाहर आया ना तो ऐसे वो आ रही है जलने वाली, जीप पे भी आती है वो जलने वाली स्मेल आ रही है। जैसे अभी वो उसने ऑक्सफर्ड डिक्शनरी उसमें ऐड करा ना वर्ड AI दिस ईयर, हर टाइम करते हैं ऐसे, स्मोक प्लस फॉग संधि संस्कृत में होते हैं संधि वर्ड, स्मोक प्लस फॉग स्मोक, ऐसे उन्होंने इस बार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, नाउ दिस बिकम डिक्शनरी वर्ड, कितना यूज हो रहा है AI, नाउ अब आप ढूंढोगे अगले साल की डिक्शनरी में AI ढूंढोगे तो आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर साल एक ना एक वर्ड यूज करते हैं, इस साल का वर्ड यूज हो रहा है AI, बता दूं आपकी नॉलेज के लिए। बहुत बढ़िया, इससे करते हैं हम लोग संपूर्ण।